तो ये जो चर्चा है आज जो है इनोवेशन करके समझा जाता है केस स्टडीज ये हमारे ऋषियों ने दस हजार बीस हजार साल पहले बनाए हैं वो है हमारा इतिहास और एस्ट्रोनॉमी हमारी इंडियन इंडियन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी और की मैं बात कर रहा ग्रंथम ग्रंथी चक्रे मुनिर गुडम इट इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड इट इज फुल ऑफ ट्विस्ट आज के मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो ये इंक्रिप्शन है भारतीय संस्कृति प्रैक्टिकल एक्सट्रीमली फ्रैगमेटिक नमस्कार हिंदू पुनरुत्थान हेतु कार्यरत अर्थात हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु सदैव कटिबद्ध ऐसे सनातन प्रभात की ओर से मैं विक्रम डोंगरे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदू धर्म आदि अनंत है इसका ज्ञान भी चिरंतन है अमूल्य है इस धर्म ज्ञान के कारण ही इस सृष्टि के अनगिनत जीवों का उद्धार उत्कर्ष होता रहा है इसी में इस धर्म का अलग एकत्व छिपा है रामायण और उससे पूर्व भी हमारी ज्ञान गंगा सात सौ तक अर्थात ईस्वी सन सात तक निरंतर बहती रही है परंतु उसके पश्चात इस्लामी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर नष्ट करने के साथ ही हमारा जो ज्ञान भंडार था ऐसे हमारी तक्षशिला नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों को जलाकर हमारा यह ज्ञान भंडार नष्ट कर दिया ब्रिटिश साम्राज्य ने भी 19वीं शताब्दी में इसी प्रकार से हमारी जो आधारशिला ऐसे हमारे वेद उपनिषद इन पर भारी प्रहार किया आज की स्थिति क्या है तो आज लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम एंटी हिंदू नैरेटिव के माध्यम से यही इतिहास फिर से दोहरा रहा है इस सभी का परिणाम स्वरूप ऐसे हुआ कि हमारा हिंदू आज हिंदू धर्म के यथार्थ ज्ञान से विन्मुख हो गया है ऐसी स्थिति में सात समुद्र पार रहकर भी केवल हिंदू धर्म का अभ्यास ही नहीं अपितु हिंदू धर्म स्वयं जीने वाले उसको जीवन में उतारने वाले उसका वैज्ञानिक स्तर पर संशोधन कर मानव जाति को उसके बारे में जागरूक करने वाले ऐसे महानुभाव आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं नमस्ते नीलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नमस्कार आप एक केमिकल इंजीनियर टेड स्पीकर रिसर्चर साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज डार्ट माउथ में आप कार्यरत हैं भारतीय सभ्यता को पूरे विश्व में संशोधन के माध्यम से पुस्तकों के माध्यम से आप जो कार्य कर रहे हैं वह सही में सराहनीय है आपकी वेन डिड द महाभारत वॉर हैपन हिस्टोरिक राम भीष्म निर्वाण ऐसी बेस्ट सेलर पुस्तकें बहुत ही सराही गई है आपकी एक विशेष बात बताता हूँ आप जनरल इलेक्ट्रिक अर्थात जी इस विश्वविख्यात कंपनी में आपने लगभग बीस वर्ष काम किया है परंतु हिंदू धर्म के बारे में जिज्ञासा उसका संशोधन और उसके बारे में धर्म प्रचार करने की आपके मन में जो तड़प थी उस कारण आपने आपका यह कुशिय करियर को त्याग कर आप गत अनेक वर्षों से धर्म प्रसार हेतु कार्यरत है तो इस त्याग के लिए इस धर्म सेवा के लिए भी हम आपको नमन करते हैं तो नीलेष जी महाभारत के काल पर आपने बहुत ही गहने से संशोधन किया है तो सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को कृपया वह बता सकते हैं महाभारत के समय के बारे में बताने के पहले एक थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि महाभारत और रामायण ये हमारे इतिहास है और सिर्फ भारत राष्ट्र में ही दुनिया में पूरा विश्व में भारत राष्ट्र में ही इतिहास बचा है हिस्ट्री और इतिहास में थोड़ा सा फर्क है हिस्ट्री यानी कि टिपिकल क्रोनोलॉजिकल नंबर्स ये राजा ने इतना तक राज्य किया ये सालों से राज्य किया इससे आगे ज्यादा उसमें चर्चा नहीं होती कभी कभी कोई uh, आप कह सकते हैं थोड़ी बात हो सकती है लेकिन इतिहास का वो उद्देश्य नहीं है इतिहास में जो क्रोनोलॉजिकल चर्चा आती है वो उसका उद्देश्य तो है लेकिन इतिहास का उद्देश्य बहुत बड़ा है यानी कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते ऐसी उसकी व्याख्या है कि अर्थ काम मोक्ष उसके लिए गाइड बुक करके रूप में ये लिखा हुआ है और ये कैसा लिखा है पूर्ववृत्त पहले कभी हुई घटना का स्मरण करके घटना का उपयोग करके कथा युक्तम, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम कथा के फॉर्म में लोगों के लिए थोड़ा रोचक बने इंटरेस्टिंग बने ऐसा फॉर्म करके जो बनाया जाता है उसको इतिहास कहते हैं अच्छा यानी गलतियों में से सीख कर ये जो चार पुरुषार्थ है उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए इसको एक व्यापक रूप में इतिहास कहते हैं जैसे कि आप आजकल आज के आज आधुनिक शिक्षण में आप देखते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में और लोगों को लगता है ये कुछ नया इनोवेशन है जैसे कि केस स्टडीज़ कहते हैं मेडिसिन हो या लॉ हो या बिजनेस में वो क्या है एक्चुअली जो कुछ हुआ रहता है कोई कंपनी के साथ थोड़ा उसको मॉडिफाई करके उसका आइडेंटिटी हाइड करके और रोचक ढंग से केस स्टडी का बनाया जाता है यही सिखाने के लिए कि आप सी होंगे तो क्या करोगे तो ये जो चर्चा है आज जो ऐसा इनोवेशन करके समझा जाता है केस स्टडीज़ ये हमारे ऋषियों ने दस हजार बीस हजार साल पहले बनाए हैं वो है हमारा इतिहास फिर आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर मैं आता हूँ तो संक्षिप्त में कहना है तो महाभारत ये एक लाख श्लोकों का ग्रंथ है वो व्यासदेव जी ने लिखा व्यासदेव ये समकालीन है महाभारत के वो जो कथा है उसमें व्यासदेव भी है और वो तभी लिख रहे हैं। और ऐसा महाभारत ही कहता है कि महाभारत युद्ध के बाद अठारह साल के बाद उन्होंने लिखा महाभारत और वो लिखने के लिए उनको तीन साल लगे तो लिखते हुए उनका ये उनका उद्देश्य है कि ये हमारे लिए रहे और इतिहास का तीन क्यों रहा हमारे पास ये है कि हमारे पास जो संस्कृत भाषा है ऐसी एकदम समृद्ध भाषा और जिसमें ज़्यादा बदल नहीं होते ऐसी भाषा दुनिया में और कहाँ भी नहीं है हमारे जो संस्कृतोद्भव भाषा है वो भी ऐसी नहीं है ये एक बात दूसरी बात हमें कोई इतिहास लिख रहे तो हमें टाइम स्टैम्प चाहिए ना तो टाइम स्टैम्प का हमारा उत्तर है एस्ट्रोनॉमी इज टाइम और एस्ट्रोनॉमी हमारी इतनी सोफिस्टिकेटेड है इंडियन एस्ट्रोनॉमी और एंशियन इंडियन एस्ट्रोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ उसी के कारण हमारे पास इतिहास उपलब्ध है नहीं तो इतिहास उपलब्ध नहीं हो सकता और ये दोनों का उपयोग करने के बाद इतिहास लिखने के बाद वो हमारे तक आके क्यों पहुँचा ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस न होके वो उसका तीसरा कारण है गुरु शिष्य परंपरा जिसको मैं विजडम ट्रेडिशन कहता हूँ तो ये ये जो बैकग्राउंड मैं इसलिए दिया कि ये बैकग्राउंड नहीं दिया तो फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि जब मैं कहूँगा आपको कि इतिहास का मेज़ महाभारत का कालन निर्णय मैंने कैसा किया तो इसके लिए जरूरी है उसमें से एक बात क्या थी एस्ट्रोनॉमी इज टाइम तो महाभारत के आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें 300 के आसपास खगोल शास्त्रीय संदर्भ है और ये संदर्भ कोई नहीं डाले गए हैं वो डेलीबरेटली व्यासुदेव ने किए है बिकॉज जैसा कि मैंने कहा एस्ट्रोनॉमीज टाइम और ये जो महाभारत का निर्माण हुआ और उसके बारे में वैशम जो उनके शिष्य है व्यासुदेव जी के वो उसका वर्णन करते हैं तो क्या वर्णन करते हैं वो ग्रंथम ग्रंथी तदा चक्रे मुनिर गूढ़ कुतूहलात इट इज़ फुल ऑफ क्यूरियासिटीज फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड इट इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट आज के मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो ये इनक्रिप्शन है हम ईमेल भेजते हैं तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है दूसरे जिसको भेजे वही आदमी पढ़ सकता है सिमिलरली ये लिखते हुए भी ये उद्देश्य है कि उसका एकदम एब्सोल्युटली प्योर फॉर्म में उसका प्रसरण हो लेकिन कोई उसमें कोई डिस्टर्ब न करे क्योंकि उनको समझेगा ही नहीं क्या करना है और कर भी नहीं सकेंगे तो ये जो 300 जो एस्ट्रोनॉमी संदर्भ है उसमें से अभी इमेजिन करो लाइक सॉल्विंग अ क्रॉसवर्ड पजल क्रॉसवर्ड पजल जैसा हम सॉल्व करते हैं या जिक्सा पजल तो हमें जब पहले देखते हैं तो उसमें क्लूज रहते हैं वर्टिकल क्लूज एंड हॉरिजॉन्टल क्लूज ऐसे ही समझ लो कि आकाश जो ऊपर का है आसमान है आकाश है उसके नक्षत्रों के माध्यम से और ग्रहों के माध्यम से सूर्य चंद्र नक्षत्र तिथि ये माध्यम से ये थ्री हंड्रेड क्लूज है तो हम ऐसे एक तरफ से कह सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर डेट न देखें महाभारत युद्ध कब हुई तो हम ये कह सकते हैं महाभारत युद्ध तब हुई जब आकाश में सप्तर्षि मंडल की अरुंधति वशिष्ठ के आगे चल रही थी दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा महाभारत युद्ध कब हुई तो हम कह सकते हैं कि जब मार्गशीर्ष का महीना शरद ऋतु के फर्स्ट पार्ट में आता था तब महाभारत युद्ध हुई ऐसे समय के वर्णन आपको महाभारत में मिलेंगे और मॉडर्न जो एस्ट्रोनॉमी आधुनिक जो शास्त्र है उसका उपयोग करके हम जो वो जिक्सो पजल सॉल्व कर लेते हैं तो एक और एक ही उत्तर आता है महाभारत युद्ध का समय का वो है 5561 बीसी। सो इफ यू वांट टू नो कितने साल पहले हुई तो 5561 प्लस 2024 तो 7585 इयर्स ईयर्स पहले सिंपलिसिटी रख, ध्यान रखने के लिए मोर देन 7000 इयर्स ई ईयर्स को सात हजार साल पहले महाभारत हुई जी, जी। क्योंकि आजकल जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सिखाया जाता है उसमें मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी इस प्रकार से बताया जाता है जो हाँ। जिस टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता है बट इट इज मोर देन सेवन थाउजेंड ईयर्स ओल्ड हाँ और अभी आपने कहा थ्री थाउजेंड जनरली बी सी बोला जाता है लाइक उसका एक मैं थोड़ा सा उत्तर दे दूँ ये जो कहा जाता है उसमें तो अभी महाभारत के संशोधक सौ से ज़्यादा संशोधक है जिन्होंने महाभारत डेटिंग का प्रयत्न किया है जैसे तो कि लोकमान्य टिलक से लेके भारत आचार्य सी वी वैद्य भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे शंकर बालकृष्ण दीक्षित डॉक्टर पवी वर्तक बहुत लोगों ने प्रयत्न किया है तो उनको अलग अलग उत्तर क्यों आए वो एक अलग चर्चा होगी लेकिन उसमें से जो तीन हजार बी की जो आपने बात की ये इसलिए हुआ कि हमारा जो अभी का जो पंचांग है अभी जो हम पंचांग उपयोग करते हैं उसका बेसिस है थ्री थाउजेंड तो फिर किसी ने ऐसा सोचा कि उसका बेसिस थ्री थाउजेंड बी में शायद कलयुग का प्रारंभ हुआ तब हुआ होगा और ये मिस्टेक अबाउट 1500 हंड्रेड ईयर्स पहले हुई जो भास्कराचार्य पहले भास्कराचार्य थे उन्होंने मिस्टेक मीन्स ऐसा कहा है कि शायद जो पंचांग का जो प्रारंभ है वो कलयुग होगा और सब लोगों ने वही उसको उपयोग किया जैसे कि मध्वाचार्य भी ऐसा ही कहते हैं जो उड़ूपी के मध्वाचार्य लेकिन मैं आप ये आपको यह कहना चाहता हूँ कि पूरे महाभारत में थ्री तो छोड़ दो महाभारत पूरा महाभारत में एक भी संदर्भ ऐसा नहीं है जो आपको थ्री थाउजेंड को लेके आए सिर्फ 3000 थाउजेंड बी सी को नहीं थ्री थाउजेंड बी सी प्लस माइनस वन थाउजेंड ईयर्स मीन समझ लो टू थाउजेंड बी सी और सिम्प्लिसिटी के लिए मैं कहूँ महाभारत में ऐसा एक भी संदर्भ नहीं है कि जो महाभारत को लास्ट फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड ईयर्स में ला कर सके तो ये सब संदर्भ जो है वो रॉन्ग है जो लोगों के जो क्लेम्स है संदर्भ जो क्लेम्स है वो रॉन्ग है वो जो पहले वाले रिसर्चर्स है उनका जो बेस है विच इज द पंचांग तो उसको आधारभूत रखने के कारण वो थ्री थाउजेंड तक आए आपने बहुत सही कहा जैसा कि हम तर्कशास्त्र में कहते हैं प्रेमिस वन प्रेमिस, टू, प्रेमिस थ्री और उससे हम अनुमान निकालते हैं इफ वन आपका प्रेमिस में कोई एक भी प्रेमिस रॉन्ग हो तो नीचे का सब रॉन्ग हो जाता है आदि शंकराचार्य यानी उनके बारे में कहा जाता है श्रुति स्मृति पुराण आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम इस श्लोक में ही शंकराचार्य जी का जो महत्व है वो प्रतिपादित होता है तो जो वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट है उन्होंने इधर भी गड़बड़ की है उन्होंने शंकराचार्य जी को यानी एक प्रकार से उनका कुछ तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि हिंदू धर्म को अभी अभी हुआ है गत कुछ हज़ार वर्ष में इसलिए उन्होंने आदि शंकर को 800 हंड्रेड ए अर्थात ईस्वी सन 800 में दिखाया है परंतु तो हमारे शास्त्र जानकार ऐसे कहते हैं कि वह फाइव हंड्रेड बी यानी किस्त पूर्व पाँच सौ वर्ष या फिर उससे भी पहले हुए हैं तो इसके बारे में आपका संशोधन कुछ ये ये आपने जो कहा शंकराचार्य की डेटिंग हम कहे आदि शंकराचार्य की तो उसमें मैंने मेरा बहुत अध्ययन किया है लेकिन मैंने कोई फाइनल पोजीशन ली नहीं है और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ तो जो वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ने जो कंफ्यूजिंग किए हैं बातें वो डिलिबरेटली की है लेकिन सिर्फ शंकराचार्य के केस में नहीं है वो तो बुद्ध से लेके सब हमारे पूरे संस्कृति के लिए की है ना ये जो आदि शंकराचार्य की डेटिंग का जो संबंध आता है उसमें मुझे क्या लगता है मैं बताता हूँ लेकिन ये मेरा ओपिनियन है सो so, मैं इसलिए कहता हूँ कि दो बड़े क्लेम आपने जो कहे वही है एक अराउंड 700 हंड्रेड एट हंड्रेड ईयर्स ए या सी yeah. कहे हम और दूसरा 500 हंड्रेड yeah. मैंने दोनों बाजू के जो संदर्भ दिए गए हैं और उनका जो आर्ग्यूमेंटेशन है वह दोनों का देखा है अभी तक मुझे सी आर्ग्यूमेंटेशन दोनों साइड में है लेकिन जिसको मैं विज्ञान के भाषा में विज्ञान बुद्धि के भाषा में जिसको मैं डिसाइसिव एविडेंस और क्रिटिकल एविडेंस क्रूशियल एविडेंस क्रूशियल एक्सपेरिमेंट ऐसा कहता ऐसे कहते हैं मैं नहीं कहता हूँ विज्ञान में हम कहते हैं ऐसा कोई ऐसी कोई साक्ष्य मुझे मिली नहीं है ना फॉर एट हंड्रेड सी ना फॉर फाइव हंड्रेड बी सी लेकिन मेरा ये मानना है अपने कहा करके नहीं तो लोग मुझे ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं तो मैं कहता हूँ उनको कि इन माई सब्जेक्टिव जजमेंट आई टेक इट एज अ फाइव हंड्रेड बी सी बट आई डो नॉट हैव अ क्रूशियल एविडेंस टू से वन वे आर दी अदर तो यही मेरा आदिशंकराचार्य के बारे में कहना है उसमें एक और कह दूँ जो कोई लोग मेरे साथ रिसर्च करते हैं कोई बहुत सारे यंग भी है और यंग आयु में भी हो सकते हैं कभी यंग एंट्री किया करके भी हो सकते हैं तो कोई ऐसा एक व्यक्ति है कि उन्होंने शंकराचार्य के डेटिंग पे काम किया और मुझे कहा कि लाइक नीलेश सर मुझे मुझे पब्लिश करना चाहता हूँ मैं क्या आपकी क्या राय है मैंने उनको कहा बिल्कुल पब्लिश मत करना क्योंकि ये कहा कि जो आपने और जो कुछ काम किया है उसमें जो आपने क्रेडिबिलिटी निर्माण की है वो आपकी चली जा सकती है और उसमें यह बात नहीं थी कि वो 800 हंड्रेड सी है या 500 हंड्रेड बी सी क्योंकि दोनों साइड में अभी तक जो क्रुशियल साइंस विज्ञान की भाषा में हम जो क्रुशियल एविडेंस कहते हैं वो अभी तक मिला नहीं है ऐसा मेरा मानना है लेकिन मेरा सब्जेक्टिव जजमेंट में आई कंसिडर फाइव हंड्रेड बी सी हमारे शास्त्रों में जो काल की गणना की है तो वह चार युग के रूप में की है सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग अभी का तो सतयुग को सत्रह लाख अट्ठाईस हज़ार सेवनटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ईयर्स त्रेसा युग बारह लाख छियानवे हज़ार यानी ट्वेल्व लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड ईयर्स द्वापर युग आठ लाख चौसठ हज़ार एट लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड ईयर्स तो कलयुग चार लाख बत्तीस हज़ार यानी फोर लाख थर्टी टू थाउजेंड ईयर्स यानी पूरा काल यदि एक युग का चक्र पकड़े तो फोर्टी थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड ईयर्स इसका एक पूरा काल चक्र है इसे तो इस दृष्टिकोण से रामायण जो घटित हुआ है तो उसके बारे में उसके डेटिंग के बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में इस बैकड्रॉप में आप yes. कैसे देखें यस yes. नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये तो मुझे बार बार पूछा जाता है कि लोग कहते हैं महाभारत सात हज़ार साल पहले ठीक है हमें तो एस्ट्रोनॉमी आती नहीं लेकिन हम श्रद्धा पे ले लेते हैं हम मान लेंगे मुझे कहते हैं आप तो कह रहे हैं रामायण बारह हजार यानी कि चौदह साल पहले हो गई और आप क्या नीलेष जी आप मानते हैं कि वो त्रेता युग में हुआ था रामायण और त्रेता युग में हुआ तो जैसा आपने कैलकुलेशंस कहा कि कलयुग का फोर चलो उसमें से पाँच हज़ार साल चले गए लेकिन उसके पहले पूरा द्वापर युग 864,000 वाला ही बीच में है तो कम से कम 10 लाख साल तो पहले जाना चाहिए तो ये क्या है तो उसका उत्तर ये है कि आपने जो पहले कहा बहुत ही बढ़िया कहा पूरा जो सत्य युग से लेके कलयुग तक नंबर्स आपने करेक्ट कहे लेकिन ये नंबर्स मैं आपको एक ह्यूमरस लेकर के प्रश्न पूछता हूँ ये नंबर कहाँ आते हैं आप बता सकते हैं ये जो बिग नंबर्स आपने कहे <laughs> नहीं ये नंबर्स का पहले मैं कह दूँ कि ये नंबर्स का जो हम इतिहास कहते हैं हमारा जो क्रोनोलॉजी है उससे कोई संबंध नहीं है जीरो कनेक्शन जीरो तो क्यों ये जो नंबर आते हैं ये आते हैं एस्ट्रोनॉमी है, टेक्स्ट में आते हैं आपने जो कहा ना वो करेक्ट है ये नंबर आपको सूर्य सिद्धांत में मिलेगा ये नंबर आपको आर्यभटिया में मिलेगा और जो कोई बड़े एस्ट्रोनॉमी के ग्रंथ है ज्योतिष ग्रंथ है कर्ण ग्रंथ कहते हैं उसको सब में मिलेगा आपको हुँ? लेकिन उसका कोई क्रोनोलॉजी से संबंध नहीं है तो पहले मैं ये बताता हूँ कि ये नंबर्स क्यों है सूर्य हमारे सोलर सिस्टम में है और उसके ऊपर सिर्फ सब पाँच प्लानिट्स घूम रहे फिर राहू केतु आप ऐड कर सकते हैं और सूर्य चंद्र ऐसा करके नौ हो गए तो हमारे एस्ट्रोनॉमी की भी जरूरत हमें क्यों थी बिकॉज एस्ट्रॉनॉमी इज रिक्वायर्ड फॉर वर्ल्ड नेविगेशन एस्ट्रोनॉमी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी थ्रू वर्ल्ड नेविगेशन कॉमर्स एंड ऑल्सो थ्रू एग्रीकल्चर और हमारे यहाँ दोनों दोनों की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होके बैठी थी और okay. वो हुई एस्ट्रोनॉमी के कारण इसलिए एक्यूरेट चाहिए थी yes. वो एक्यूरेट करते हुए जब ज्योतिष शास्त्र यानी कि फल ज्योतिष भी एड किया yes. गया हाँ तो ग्रहों का भी संबंध आने लगा उसके लिए भी एक्यूरेट करने के लिए जो ग्रह के जो ऑर्बिटल पीरियड जो प्लैनेट्स का है वो प्रिसाइज और एक्यूरेट हम किसी को बता सकें <coughs> आजकल तो हम बताते हैं थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फोर टू टू समथिंग लाइक दिस तो वो टू फोर टू टू जिसको पता नहीं वो बता नहीं सकेंगे वो बताने के लिए उन्होंने क्या किया आपको क्या एक्यूरेसी चाहिए वो डिसाइड किया उसमें भी एक कभी संबंध आया तो मैं बोलूँगा कि उन्होंने कैसा एक्यूरेसी डिसाइड किया कितनी एक्यूरेसी चाहिए ये कोई रैंडम नंबर नहीं है बिकॉज भारतीय संस्कृति इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल एक्सट्रीमली प्रैग्मेटिक एक्सट्रीमली प्रिसाइज लेकिन कोई प्रिसीजन की जरूरत नहीं तो उतना तक वो जाते भी नहीं ये प्रैक्टिकल से चलेगा तो उधर ही रुकते हैं तो उन्होंने डिसाइड किया जैसे कि पाई इक्वल टू थ्री नॉट वन फोर वन सिक्स है ना और वो कभी कभी तो पाई का वैल्यू थ्री भी लेते हैं बिकॉज वो वो काम के लिए वो सफिशियंट है तो वह हाई इवन गो फॉर थ्री पॉइंट वन फोर ऐसे ही उन्होंने एक फॉर्मूला कर दिया कि आपने जो कहा 4.32 मिलियन इतने साल में इतने वर्ष में मीनिंग यानी कि इतने सोलार इयर्स में आप सूर्य सिद्धांत जाके देखिए अरे भटिया देखेगा आपको मिलेगा इतने समय में इतने सूर्य के जब राउंड्स हुए वर्ष सोलार वर्ष हुए उसमें चंद्र के इतने राउंड्स हुए उसमें मर्क्यूर के इतने राउंड्स हुए उसमें शनि के इतने राउंड्स हुए नाउ क्या होता है यू टेक दैट नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाई थ्री जो डे का समय तो हर एक प्लानिट का ग्रह का परफेक्ट ऑर्बिटल पीरियड आपको पता चलता है सिर्फ ये करने के लिए मैथमेटिकल अरेंजमेंट है इसका दूसरा कोई किसी से लेना देना नहीं है लेकिन जो कलि युग द्वापार युग त्रेतायुग और सत्ययुग या कृतयुग ये जो सिस्टम है ये बहुत जगह यूज़ किया गया उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ये सिस्टम तो हमारे मनोविज्ञान में भी यूज़ किया गया है हमारे जो हम कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए जिससे हम प्रसन्न रहें इतरे यह ब्राह्मण करके एक ग्रंथ है जो ऋग्वेद के साथ कनेक्ट किया जाता है उसमें आपने सुना भी होगा कलो शयानो भवती सन्निहस्तु हस्तु द्वापरा ऐसा कहा है कि आप जब सोए रहते हैं तो आप कलयुग में हैं आप सोके उठ के बैठते हैं तो आप द्वापर युग में आ जाते हैं आप बैठ के उठ जाते हैं तो आप त्रेता युग में हो जाते हैं और उठने के बाद आप चलने लगते हैं यानी कि कृति करने लगते हैं कृतिशील हो जाते हैं तो आप सत्य युग में रहते हैं इसलिए सतत कृति करते रहो सत्य युग में रहो एकदम वो जो मंत्र है वो एंड होता है चरे वेती चरे वेती चरे व्यती अभी इसमें कौन से समय की बात है तो ये एक, एक तरफ का युग हुआ यानी डेली डे डे टू लाइफ डेलीजुअल इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल के लिए मैं सो रहा हूँ आप चल रहे तो आप सत्ययुग में मैं कलयुग में हूँ दूसरी एक बात जैसे कि आयुर्वेद में ऐसी बात आती है कि पहले हम एकदम हेल्दी थे कोई हमें डिसीज नहीं था तो नाउ हम एक इंजीनियरिंग आप भी इंजीनियर हैं इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो इक्वेलिब्रियम ये आइडियल स्टेट है एक्चुअली होती है कि नहीं वो बात नहीं है सिमिलरली आयुर्वेद में ऐसे भाष्य होता है कि ऐसे एक जगह था कि हमारे हमें कोई डिसीज ही नहीं था तो जब हमें डिसीज नहीं था तो हमारा वर्णन किया जाता है फिर डिसीज़ का एंट्री हुआ तो वो कहते हैं कि त्रेता युग आ गया फिर उसमें बढ़ते गए तो द्वापर युग आ गया फिर तो अभी कलयुग है डिसीज का डिसीज का ही पूरा ये हो गया है सो तो ये कलयुग ये आयुर्वेद ने भी उसका उपयोग किया है चरक संहिता में उसका वर्णन आता है और एक तीसरा वर्णन आपको दे दो और भी दो तीन है लेकिन तीसरा दे दो तो ये जो है ये भी थोड़ा इमोशनल साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं बंगाल में चैतन्य महाप्रभु करके बड़े संतों के गए उन्होंने आठ श्लोक लिखे हैं वो कृष्ण राधा कृष्ण के भक्त थे तो कृष्ण के बारे में लिखते हुए उन्होंने ऐसा वर्णन किया है युगायतम निमेशेण चक्षुषा प्रषायितम शून जगत सर्वम गोविंद विरहेण में कि एक क्षण के लिए निमेश ब्लिंकिंग ऑफ एन आई के लिए भी मुझे सामने कृष्ण दिखते नहीं मुझे तो मुझे वो समय युग जैसा दिखता है और मेरे आँख से पानी आने लगते हैं क्योंकि मुझे विरह हो रहा है तो एक क्षण विरह जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस है उनका लेकिन उसका समय तो एक क्षण ही है तो ये एक अलग साइकोलॉजिकल समय तरह का युग हो गया सिमिलरली हम जब हमारे जनरेशन्स होते हैं एक पीढ़ी हम कहते हैं मराठी में रेट एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन उसको भी युग कहा गया है और फिर कोई एक वैशिष्टपूर्ण पर्सन पृथ्वी तल पर है जैसे कि भगवान कृष्ण थे तो हम उसको युग पुरुष कहते हैं तो वो युग पुरुष महाभारत के समय के युग पुरुष थे भगवान राम ये रामायण के समय के युग पुरुष थे उसमें कोई हर एक समय इतने एहसास होने चाहिए ऐसे करने ही नहीं चाहिए तो कभी भी हम ये एस्ट्रोनॉमी का युग का उपयोग करेंगे तो हमें रॉन्ग आंसर ही मिलेंगे तो कोई हमें कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए क्रोनोलॉजी के साथ यानी अलग अलग परस्पेक्टिव के दृष्टिकोण से वो ये किया है भास्कराचार्य के कार्य में ये कारण ये मिस्टेक हो गई हाँ और तब से इसलिए ये जो सब जो कन्फ्यूजन है ना पुराण में भी अपडेट्स हैं मध्वाचार्य मैंने नाम दिया आपको और समर्थ रामदास स्वामी ये जो सब कन्फ्यूजन है ये आप, आपको ग्रंथों में जो मिलेगा वो लास्ट 1500 इयर्स के एडेंडम का मिलेगा उसके पहले का नहीं मिलेगा आपको जी तो उससे पहले जो होकर गए जो वगैरह तो उनके इसमें आया होगा उनके संशोधन में इसके बारे में ऐसे कुछ आया है ना इसी के कारण ही तो हम कर सकते हैं जी हाँ, उस आधार आ, आ, पर हाँ इसके पहले भी नहीं उसके बाद में जैसे मध्वाचार्य ने भगवान कृष्ण का पूरा जो लाइफ टाइम था वो वन हंड्रेड एंड सेवन ईयर्स एक सौ सात साल का करके लिखा है उन्होंने कैसा लिखा मुझे पता नहीं उन्होंने कहाँ से उनको ये नंबर्स मिले मुझे पता नहीं लेकिन आज का जो मॉडर्न साइंस है मॉडर्न साइंस यानी कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी उसका उपयोग करके महाभारत के संदर्भ हरिवंश के संदर्भ और भागवत पुराण के संदर्भ लेके मैंने ये दिखाया है कि उन महा जो श्री कृष्ण थे उनका आयु हंड्रेड साल की थी तो ये जब मैंने संशोधन किया और मैं उसके बारे में बात करने लगा तो एक्चुअली जो उसको ब्रह्म द्वैत संप्रदाय ऐसा कुछ नाम है उनका तो उनके कोई एक अनुयायी ने मुझे लिखा वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं कि नीरेश जी आई लिसन टू योर लेक्चर कि जहाँ आपने एक साल की बात की है भगवान कृष्ण की क्या आपको पता है कि मध्वाचार्य जी ने थर्टीन सेंचुरी में महाभारत तात्पर्य निर्णय में ऐसा ही लिखा है तो ये तो आ, क्या हम कहते हैं आत्म प्रती आप प्रती और शास्त्र प्रतीति की बात हो गई तीनों वही कह रहे हैं तो इसको एक अलग एंगल से एक और एक पर्सपेक्टिव में जोड़ा जाए सपोज अब मानव का एक वर्ष यानी ब्रह्मा ब्रह्मदेव जो है उसके कुछ क्षण उनके तो उस परिमाण से भी इसकी ओर देख सकते हैं क्या रामायण का काल और जो युगों का जो विषय जो एस्ट्रोनॉमिकली जो कहते हैं उसके अनुसार उस परिमाण से देख सकते हैं और भी एक परिमाण देता हूँ ऐसे तरह का वो है और बहुत सारे हमारे आचार्यों ने उसमें कॉमेंट्री भी की है लेकिन हम कॉमेंट्री पढ़ते नहीं वो भी प्रॉब्लम ये है कि वो कॉमेंट्री भी संस्कृत में रहती है बहुत बार बहुत आचार्यों लोगों ने कॉमेंट्री की है मैं आपको एक थोड़ा अलग उदाहरण लेता हूँ उसके लिए कि जैसे कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है एक्चुअली इनके बारे में भी आता है दशरथ राजा के बारे में भी कि वो जब पुत्र कामिष्ट यज्ञ करने जा रहे हैं उसके पहले है कि उनकी आयु साठ हजार साल हो गई थी अभी उसमें पर मैं आऊँगा और जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या में आते हैं तो ऐसा एक वर्णन आता है कि उसके बाद उन्होंने दस हजार साल या इलेवन ग्यारह हजार साल राज्य किया जी. इसका उत्तर इसके ऊपर चर्चा करते हुए बहुत आचार्यों ने कहा है कि देखो ऐसे जब नंबर्स आते हैं बाकी नंबर्स तो सब रेगुलर चल रहे हैं हमारे जैसे ही सत्रह साल के हो गए वनवास में गए उनका विवाह हुआ वगैरह वगैरह बाकी सब ठीक है तो ये सडनली साठ हजार और ग्यारह हजार कहाँ से आते हैं वो कहाँ से आते हैं वो हमें अभी पता नहीं लेकिन उसका हमें विवेक से ही समझना पड़ेगा ऐसा आचार्यों ने लिखा है और उन्होंने जो आपने जैसा मुझे सूत्र पूछा कि ब्रह्मा का एक सेकंड ये हो जाएगा हमारा सिमिलरली आचार्य ने कहा है और हमारे इसमें है ग्रंथों में है हमारे इतिहास में है उसमें एक एग्जाम्पल है कि अहोरात्र संवत्सरा कि कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक दिन को वर्ष समझा जा सकता है और एक वर्ष को एक दिन समझा जा सकता है उससे आगे जाके मैं कहूँ महाभारत में भीम सेन कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप मास को वर्ष के समान मान सकते हैं और एक वर्ष को मास के समान मान सकते हैं उसमें से एक ह्यूमरस चीज़ बताता हूँ संस्कृत की मास कहते हैं ना हम उसको उल्टा कर दीजिए समा उसका संस्कृत में अर्थ है वर्ष अच्छा तो ये जो अक्रह ग्यारह हजार साल या सिक्सटी थाउजेंड ये आप डेज मान लीजिए उसको हाँ उसको डिवाइड बाय 365 कर लीजिए तो ऐसा आप किए करेंगे तो जब भगवान राम का वर्णन आता है कि उन्होंने ग्यारह हज़ार साल राज्य किया तो आप डिवाइड करोगे तो उसमें से आ जाता है कि अबाउट थर्टी इयर्स उन्होंने राज्य किया तो डायमेंशंस या उस प्रकार से जो आपने बताया तो, यानी भावार्थ उसका जो है भावार्थ है और विज्ञानार्थ भी हम कह सकते हैं विवेक बुद्धि से प्रामाण्य बुद्धि से विवेक बुद्धि यह है कि कोई साठ हज़ार साल रहा था क्या अभी योगी पुरुष रहते हैं ऐसा हमने सुना है हा? तो हो सकता है हम उसको डिनाई नहीं कर रहे लेकिन ऐसा कोई वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है दूसरा एक अलग और एक अपनी वर्ष का ही बात आ रहा है करके कि रावण ने दस हज़ार साल की तपस्या की उसका कोई आचार्यों ने दिया हुआ मैं और एक अर्थ बताता हूँ इसमें तो ये भी नहीं मीन्स अहोरात्र संवत्सर भी नहीं लेकिन वो जब तपश्चर्या कर रहे थे समझ लो तपश्चर्या यानी कि यज्ञ यानी कि सपोज एक एरोप्लेन बनाने के लिए तपश्चर्या कर रहे हैं सपोज आई एम एरो, एरोनॉट इंजीनियर और मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है और वो प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए मैं दस हजार लोगों को हायर किया और एक साल काम किया तो मैंने काम किया एक साल ही लेकिन हम बोलते हैं ना टेन थाउजेंड मैन आवर्स हाँ तो ऐसा एक आचार्यों ने ये भी दिया है तो अभी मैन आवर्स की जो हम बात करते हैं वो भी नहीं है कोई इनोवेशन नहीं है हमारे आचार्यों ने पहले कहा है नीलेश जी हमारे वेदों में सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है और उसको एक दैवीय रूप प्राप्त है परंतु आज वह विलुप्त तो हो चुकी है तो नक्षत्रों के आधार पर अथवा अन्य किसी माध्यम से आपने उस पर कुछ संशोधन किया हो तो हरिभा वाकणकर जी ने समझ लो पचास साल पहले की बात है अत्यंत कष्टप्रद परिस्थिति में कोई भी साधन न होने होते हुए भी सरस्वती का संशोधन किया सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं हम